नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे वीडियो में। आज मैं रेजोनेट वाईफाई राउटर UPS की अनबॉक्सिंग करने जा रहा हूँ। इसे मैंने अमेजन से लिया है, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ जाकर इसे खरीद सकते हैं। अगर आपके घर में वाईफाई लगा हुआ होगा तो अगर लाइट ऑफ होती है तो कनेक्शन जो है वो इंटरप्ट हो जाता है, बीच में रुक जाता है। लाइट ऑन होने पर दोबारा रिस्टार्ट होने में और राउटर को 2 से 3 मिनट का समय लगता है। तो अगर आप कुछ काम कर रहे हैं तो उससे बहुत दिक्कत होती है। तो राउटर को लगातार मिले पावर के लिए ही है और पावर कट की समस्या पूरे इंडिया में छोटे बड़े सर कहीं भी हो वो लगातार बनी रहती है। इससे बचने के लिए बहुत ही अच्छा ये UPS है। तो चलिए मैं इसके बताता हूँ कि यहाँ पर रेजोनेट का यहाँ पर ब्रांडिंग है, यहाँ पर एक प्रोडक्ट इमेज है, ये आप लिखा हुआ देखिए राउटर UPS यहाँ पर लिखा हुआ है, अन इंटरप्टेड वाईफाई पावर बैकअप फॉर योर वाईफाई राउटर व्हेन द पावर गोस योर वाईफाई वॉन्ट। लाइट चली जाएगी लेकिन वाईफाई काम करता रहेगा। यहाँ पर एड्रेस है, ये बेंगलोर की कोई कंपनी है वो इसे बनाती है। यहाँ पर स्पेसिफिकेशन है, यहाँ पर देखिए ये मॉडल नंबर है 12 वोल्ट 2 एम्पियर, एक और आता है 9 वोल्ट 2 एम्पियर। तो आप देख लीजिए और राउटर के अडेप्टर से आप चेक कर लीजिए, क्योंकि जो भी अगर गलत लगाइएगा 9 वोल्ट का लगाइएगा 12 वोल्ट में आपका राउटर और ये जो आपके UPS से दोनों ही काम नहीं करेंगे। ये 1 साल की वारंटी है, ये काफ़ी हल्का है, 200 ग्राम का वजन है, ये फुल चार्ज पर 4 घंटे की आपको बैकअप देगा। ये इंस्टॉलेशन भी इसका बिल्कुल सिंपल है, वो 0 ड्रॉप कनेक्टिविटी से लाइट ऑफ होने पर कोई और UPS होगा घर का, इन्वर्टर होगा आपके घर में अवेलेबल, लाइट ऑन पर काफ़ी एक नेग्लिजिबल मिली सेकंड के बराबर आपको झटका सा लगता है, फिर लाइट चालू होती है। तो इसमें लगातार निर्बाध आपूर्ति जैसे कहते हैं अन इंटरप्टेड सप्लाई वो आपको मिलेगी आपके राउटर को, तो जिससे आपका राउटर कभी बंद नहीं होगा और आराम से पर काम कर सकेंगे। और यहाँ पर इंटेलिजेंट चार्जिंग लिखा हुआ है, मतलब ये चार्ज खुद को खुद सेट कर लेगा कभी से करना है तो आपको टेंशन की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर लिखा हुआ है 12 वोल्ट 2 एम्पियर लिखा हुआ है। यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर ये CCTV में आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं लगातार पावर देने के लिए। आप इंटरकॉम को लगातार पावर देने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, आप सेट टॉप बॉक्स को लगातार पावर देने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 ईयर वारंटी यहाँ लिखा हुआ देखिए। इसे वाईफाई UPS में दिखाया था कि 2 ही बैटरी लगी रहती है, रेजोनेट के UPS में 3 बैटरी लगी हुई हैं जिससे ज़्यादा पावर मिलता है और इसे आप रिप्लेस भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं इसे खोलता हूँ, देखिए यहाँ पर एक सील है, इसे मैं अभी काट कर निकालता हूँ, अभी काट रहा हूँ। काटने के बाद फिर आप यहाँ से खींच लीजिए, फिर से बाहर आ जाएगा। सबसे पहले तो यहाँ राउटर UPS निकलता है, देख पा रहे हैं यहाँ पर आप, यहाँ रेजोनेट की ब्रांडिंग है। खैर मैं इसके बारे में बाद में बताऊँगा। और जैसे मैं डिब्बे में और क्या क्या है, तो यूजर मैनुअल क्या है यहाँ पर दिखा रहा हूँ मैं आपको। यहाँ पर है फिर क्विक 30 सेकंड इंस्टॉलेशन गाइड, तो कैसे इंस्टॉल किया जाए, राउटर से कैसे कनेक्ट किया जाए इसके बारे में आपको अच्छा से बताया गया है। ये वारंटी कार्ड है, मैं इसे यहाँ से आप निकालता हूँ क्या क्या है इसमें। केबल दिए गए हैं इसमें, 3 ब्रिज केबल दिए गए हैं, 1, 2, 3 है, ये 3 तरह के। ये अगर किसी पिन पॉइंट अगर राउटर में किसी दूसरे टाइप का है लगा हुआ तो उसके लिए दिया गया है केवल, उसमें आप एक्सटेंड करने के लिए उससे वाले ब्रिज केबल में लगाइए, दिखाता हूँ इस तरह से फिट हो जाएगा। और उसके बाद आप उस राउटर के पिन पॉइंट में लगा दीजिए, बहुत से राउटर में थोड़ा सा अलग रहता है उसके लिए दिया गया है। खैर ये भी बहुत काम की चीज़ है, उनके पास उस तरह का सॉकेट है उसमें ये आसानी से उसका यूज कर लेंगे। उससे मेरा जो राउटर है जियो का राउटर है उसमें इस तरह का केवल यूज होता है उसमें। अब मैं इस राउटर UPS के बारे में आपको बताता हूँ। 200 से 250 ग्राम के बीच वजन है इस राउटर UPS का। यहाँ पर LED लाइट है, यहाँ पर एक पावर ऑन ऑफ स्विच है, इसे मैं ऑन करता हूँ। जिसे ऑन करने पर देखिए यहाँ पर LED लाइट है वो ग्रीन रंग में जल चुकी है, तो मतलब ये चार्ज है, पहले से कंपनी की चार्ज कर देती है। और मैं चार्जिंग लगाऊंगा तो पहले ऑरेंज कलर में लाइट जलेगी, चार्ज फुल होने पर ये ग्रीन लाइट में हो जाएगी। तो आपको दिखाऊंगा मैं अभी कनेक्ट करते समय। और इस तरफ देखिए यहाँ पर ये इनपुट और आउटपुट पॉइंट दिए गए हैं। अच्छे देखिए स्पेसिफिकेशन है इसका, यहाँ पे गर्मर को कील वगैरह है तो उसमें आप टांग सकते हैं फंसा कर इसे। यहाँ पर लिखा देखिए रेजोनेट राउटर UPS मॉडल नंबर देखिए यहाँ पर। अरे इसका देखिए मेन चीज़ जो है ये इनपुट वोल्टेज इसका है, ये 12 वोल्ट और 2 एम्पियर। इसका इनपुट और आपके राउटर का जो अडैप्टर उसका आउटपुट दोनों मैच करना चाहिए। राउटर के अडैप्टर में भी 12 वोल्ट और 2 एम्पियर रहना चाहिए। और ये 2 तरह के ये UPS आते हैं, एक 12 वोल्ट और एक और आता है 9 वोल्ट। तो आप लेने से पहले जरूर अच्छी तरह से मैच कर लीजिएगा अपने राउटर के अडैप्टर के पीछे देखकर।
नहीं तो बाद में ना आपका राउटर काम करेगा ना आपका यूपीएस काम करेगा, दोनों ही ख़राब होने के चांस है। तो ये आप पहले लेने पर अच्छी तरह से चेक कर लीजिएगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इसको कनेक्ट करके। ये मेरा जियो का राउटर है, इससे देखिए यहाँ पर ये जो तार आ रहा है वो नीचे से पावर अडैप्टर का ये तार है। यहाँ ये देखिए जियो का पावर अडैप्टर है। तो मैं कनेक्शन लगा दिखाता हूँ कैसे आपको क्या करना है। वो देखिए आप यहाँ इनपुट और आउटपुट लिखा हुआ है सॉफ्टवेयर, ये यहाँ पर आउटपुट है। तो यहाँ से निकल कर जो आपकी केबल जाएगी वो आपके राउटर में फिट होगा यहाँ से निकल कर, और ये अडैप्टर का जो राउटर का जो अडैप्टर है वो यहाँ पर उसका जो तार है वो यहाँ पर आएगा। मैं राउटर में से पावर अडैप्टर केबल को निकालता हूँ यहाँ से। मैंने निकाल लिया, ये मैंने राउटर में से पावर अडैप्टर केबल को निकाल लिया है। ये यहाँ पर जियो का पावर अडैप्टर है। पावर अडैप्टर में आउटपुट देखिए 12 वोल्ट 2 एम्पीयर लिखा हुआ है। यूपीएस का मैंने दिखाया था आपको, इसमें इनपुट था 12 वोल्ट तो मैच कर रहा है। इसी तरह से आप चेक कर लीजिए। इसे यहाँ पर लगा देता हूँ वापस सॉकेट में। देखिए मैंने राउटर के पावर अडैप्टर को वापस सॉकेट में लगा दिया है। अब मैं जो उसका पावर अडैप्टर का केबल है मैं इस रेजोनेट वाईफाई यूपीएस के इनपुट में लगाऊंगा। आप देखिए यहाँ पर पावर अडैप्टर के केबल को मैंने रेजोनेट के इनपुट टर्मिनल में लगा दिया है। मैं दूसरा केबल लेकर इसे रेजोनेट यूपीएस के आउटपुट वाले पॉइंट में मैं इसे कनेक्ट करता हूँ। मैं देखिए मैंने रेजोनेट यूपीएस के आउटपुट वाले पॉइंट में इसे कनेक्ट कर दिया है इस केबल को। इस केबल का दूसरा सिरा मैं वाईफाई राउटर के इनपुट वाले सॉकेट में इनपुट वाले पॉइंट में कनेक्ट करूँगा। अब मैं दूसरे सिरे को वाईफाई राउटर के पावर इनपुट सॉकेट में लगा देता हूँ जिससे कि पावर उसे यूपीएस से मिले ना कि डायरेक्ट मेन सप्लाई से। देखिए फाइनली इस तरह से कनेक्शन हो गया है। ये यहाँ पावर अडैप्टर से केबल निकला। अब देखिए ये राउटर यूपीएस के इनपुट पोर्ट में जाता है और राउटर यूपीएस के आउटपुट पोर्ट से केबल निकलता है, बीच केबल निकलता है वो जियो के राउटर के इनपुट पोर्ट में जाता है। अब मैं इसे ऑन करता हूँ, देख रहे हैं राउटर एक्टिवेट है, लाइट ग्रीन लाइट जल रही है और यहाँ पर ये यूपीएस में लाइट जल रही है, अभी ऑरेंज है मतलब चार्ज हो रहा है। फुल चार्ज होने पर ये इसमें आपको ग्रीन लाइट जलने लगेगी। इसे आपको हमेशा इसे ऑन रखना है तभी काम करेगा, नहीं तो ये पावर इसे बाईपास कर सीधे राउटर में जाएगा तो लाइट ऑफ होने पर इसे आपका फ़ायदा नहीं मिलेगा, तब आपका राउटर भी ऑफ हो जाएगा, आपका कनेक्शन भी इतना इंटरप्ट हो जाएगा, बाधित हो जाएगा। इसे फुल चार्ज होने में 8 से 10 घंटे का समय लगता है और बैकअप इसमें आपको 4 घंटे के बैकअप आसानी से मिल जाती है। 4-5 डिवाइस चलाइए, अगर लैपटॉप चलाइए एक लैपटॉप 4-5 मोबाइल स्मार्टफोन उस पर है आसानी से ये हैंडल कर लेगा। तो मैं सब बुझाता हूँ अभी पावर ऑफ करके। मैंने इसे पावर ऑफ किया, पावर ऑफ करने के बाद भी देखिए यहाँ पर राउटर में ग्रीन लाइट जल रही है, ये ऑफ नहीं हुआ है, मतलब लगातार इसमें पावर इस राउटर को मिल रहा है इस यूपीएस के थ्रू। तो आप आराम से इस यूपीएस के माध्यम से अनइंटरप्टेड इंटरनेट का मजा ले सकते हैं लाइट ऑफ होने पर भी। अगर आपके घर में फाइबर कनेक्शन है और वाईफाई आपके यहाँ लगा हुआ है तो आप इसे लगा लें। तो यही था इस वीडियो में, उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा।